हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम दीपावली स्पेशल ये ड्रेस बनाएंगे और बहुत प्यारी बन के तैयारी है। विदाउट स्विंग मशीन से आप ऐसी हैवी ड्रेस बना सकते हो और बहुत ही आसानी से बनाया है। और ये वेलवेट के कपड़े से बनाया है, जैसे कि ठंड हो गई है तो इसमें ठाकुर जी को इसमें ठंड नहीं लगेगी। और इसमें ये प्यारा सा मुकुट भी बनाया है मैचिंग का, और बहुत ही ईजी वे में आप इसको बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने पेस्टिंग बकरम लिया है और एक प्लेट ली है, बहुत छोटी सी प्लेट है, 6 इंच का इसका डायमीटर है। तो हमने इसको देखिए ऐसे करके पहले हमें राउंड से ऐसे इसको हम शेप में देंगे। आप आसानी से ऐसे ही ड्रेस बना सकते हो। तो ये देखिए हमने इसको राउंड दे दिया। देने के बाद अब इसको हमें कट कर लेना है, तो हम इसको कट कर लेंगे और वेलवेट के कपड़े पे हमें इसको पेस्ट करना है। तो हम आयरन के हेल्प से हमें पेस्ट करना रहेगा, तो पहले हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मेरा पूरा डायमीटर 6 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बस है। और इसको अब हमें ये वेलवेट का, मैंने येलो कलर का कपड़ा लिया है, इसको हम पेस्ट कर लेंगे इस पर। तो ये हमने उल्टा रखा है, उल्टा में हम ये देखिए एक साइनिंग वाला है, साइनिंग वाला हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है और ऊपर जो कॉटन जैसा कपड़ा दिख रहा है बकरम जैसा, इस पर हमें प्रेस चलाना है। और ऐसे करके हम पहले प्रेस करके और इसको कट करके निकाल लेंगे। तो हम इसको प्रेस कर लेते हैं। तो ये कट कर लिया, कट करने के बाद ऐसे फोल्ड करना है। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार हम और फोल्ड करेंगे, यूं करके हम बराबर से रखना है। और रखने के बाद हमें मिड हमें निकालना है सर्कल का। तो हम ऐसे देखिए ऐसे फोल्ड करने के बाद अब मिड निकाल करके और इसको हम कट करना है। और छोटा सा, क्योंकि हम ये 0 से 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं, तो ये देखिए हम बिल्कुल बहुत छोटा सा ये सर्कल कट ड्रॉ करेंगे, हाफ से भी ये कम लिया है हमने। और इसको अब हमें कट कर लेना है। देखिए इतना छोटा सा लिया है और इसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए निकाल लिया है। अब हमें ये देखिए मिड में एक साइड से हमें कट लगाना है, जिससे ठाकुर जी को आसानी से हम पहना सके। तो ये हमने देखिए ऐसे मिड में निशान लगा दिया है और इसकी हमने 1 इंच से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है, यानी 1.5 इंच से थोड़ा सा बस कम है। और इसको हमने इतना कट किया क्योंकि छोटे से लड्डू गोपाल के लिए, तो ज़्यादा कट नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से कट लग गया है। अब देखिए हमने ये 1.5 इंच का कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच हमने रखी है और इसको हमें कमर पट्टी में लगाना है। और एब हमने कट किया है और ये देखिए हम एक साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब इसको हमें बैक में पहले रखना है। अब देखिए हमें इसको ऐसे करके बैक में रख के थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इसको हमें सुई की हेल्प से अटैच करना है। तो हम ये देखिए ऐसे करके अटैच करते चले जाएंगे और इसको हमें पक्की सिलाई करनी है। तो ऐसे करके हम पूरी पक्की सिलाई करके राउंड में ऐसे लगा लेना है। तो हम लगा लेते हैं। इस तरह से हम ये पूरा सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए पूरा गुलाई हमने सिल लिया है, इस तरह से कपड़ा हुआ है। इसको हम आगे की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अब हम डोरी लेंगे और इसमें अटैच करेंगे हम। तो ये हमने डोरी ली है, इसको हम कट करेंगे। और कट करने के बाद हम ज़्यादा बड़ी नहीं डोरी लेंगे क्योंकि छोटे से लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। अब आगे लाके हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अब ऐसे करके हम सुई की हेल्प से इसको पक्का करते चले जाएंगे। तो हमें ऐसे छोटे छोटे टक लगाने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लगाने कि दिखे। तो हमें बहुत छोटे छोटे से टक लगाने हैं और दोनों, जैसे जहाँ फोल्ड कर रहे हैं
इसके मिड में लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करके हम ये पहले फोल्ड कर लेंगे बराबर से। तो इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट कर लेना है, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये मैंने रेड कलर का लिया है, वेलवेट का कपड़ा है, और इसमें हमने ये पेपर पेस्टिंग लगाया है। हमने इसमें हार्ड वाला नहीं लगाया है क्योंकि ये जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें लगे ना, इसलिए हमने हार्ड नहीं लिया है, और वेलवेट वैसे ही मोटा होता है। तो ये देखिए हम इसको, ये हमारा पूरा 1 इंच 2 पॉइंट है, और ये इधर से मेरी 3 हाफ है, ठीक है। और अब इसको हमें बस ऐसे फोल्ड करना है, एक बार हम फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करना है, तो 2 टाइम हम इसको फोल्ड करेंगे और बराबर से फोल्ड करके अब इसमें हमें नेक। तो देखिए फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम नेक निकालेंगे, तो छोटा सा जहाँ मेरा फोल्ड है वहाँ पर हमें छोटा सा बिल्कुल ऐसे करके यू शेप में निशान बनाना है। फिर उसके बाद साइड में जहाँ ओपन है वहाँ पे हम निशान बनाएंगे, तो ये 1/2 इंच तक हमें निशान बनाएंगे। तो ये देखिए हम ऐसे करके कमर के शेप दे करके यूँ शेप देंगे, और उसके बाद अब इसको हमें कट कर लेना है। अब देखिए हम इसको ऐसे करके बैक से एक पार्ट हमें कट कर लेना है, तो हम ये मिड में ऐसे रखेंगे और ये हम बैक का कट कर लेंगे, तो आसानी से ऐसे ठाकुर जी पहन सकते हैं। अब इसमें हमें डोरी लगानी है, तो हम बैक में डोरी लगाएंगे। अब चोली में मैंने देखिए ग्लू लगा दिया है, फैब्रिक ग्लू लगाया है, और इसमें बस ऐसे डोरी रख लेंगे, तो ये डोरी आसानी से जब सूख जाएगी तो आसानी से ठाकुर जी पहन सकते हैं। अब हम इसका पैच बनाएंगे। तो देखिए अब हमें ऐसे करके शेप देना है, तो पत्ती का जैसे शेप देना है ऐसे करके, देखिए लीव्स जैसी हमें शेप देना है। आप कैसी भी शेप बना सकते हो, पैच हम बना रहे हैं तो हम ऐसे करके देखिए पत्ती की शेप देंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे करके बराबर से ऐसे फोल्ड कर देंगे डायगनल पे, और इसको हमें शेप में कट करना है, तो बराबर से मेरी लीव्स आ जाएगी। तो देखिए ऐसे हमने फोल्ड कर लिया है, और इसको कट करके निकालेंगे, और फिर हम इसको पेस्टिंग बकरम पे रख के और शेप कट करेंगे। अब रेड सनिल के कपड़े पे हमने ये बकरम पेस्ट कर दिया था। अब इसको जो लीव्स हमने बनाई है इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करके फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये लीव्स कंप्लीट हो गई है, और ऐसे ही हम सब पेस्टिंग करके कट कर लेंगे। अब ये देखिए हमने कट कर लिया है, अब इसको हमें डेकोरेट करना रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमें डेकोरेट करना है। जैसे हमने एक डेकोरेट किया है, तो सबसे पहले हमने ये फैब्रिक ग्लू लिया है, और ऐसे करके हम ड्रॉ करेंगे। और अब हम स्टोन चेन लेंगे, और ये मैंने
12 स्टोन चेन ली है और किसी हेल्प स्टिक की हेल्प से ऐसे करके हम इसको शेप मिलाएंगे और ऐसे करके रख लेंगे। तो देखिए हम फिर से ड्रॉ करेंगे। अब हम वॉल चेन लेंगे और वॉल चेन हमें ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ करना है, ऐसे करके जो हमने लगाया है, ड्रॉ किया है फैब्रिक ग्लू उस पर रख करके और कट कर लेना है। तो हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमने ये हाफ कट वाली जो पर्ल होती है उसको लेंगे और सेकंड रो हम हाफ कट वाली एक साइड लगाएंगे, ऐसे करके हम पूरा रो लगा लेंगे। अब देखिए हम हाफ कट वाला जो पर्ल होते हैं उनको हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे पूरे उसमें। तो हमने कर लिया है। अब मिड में हम ये पर्ल रखेंगे और पर्ल रखने के बाद फिर ग्रीन स्टोन रखना है, तो ग्रीन स्टोन रखेंगे, फिर गोल्डन स्टोन रखेंगे ऊपर। तो ऐसे करके ये पैच कंप्लीट हो गया है और अब ऐसे ही हम सब डेकोरेट कर लेते हैं। अब देखिए मैंने चोली कंप्लीट की है और इसमें हमने गोल्डन वॉल चेन लगा दिया है और पर्ल हाफ कट वाले लगाए हैं, इसमें हाफ कट पर्ल लगाए हैं और ग्रीन स्टोन लगाए हैं। तो ऐसे करके हमने ये ड्रॉ किया है। तो इस लेस से हम पैच निकालेंगे, गोल गोल हमें पैच निकालना है, तो हम निकाल लेंगे कट करके। हमें गोल ये देखिए इससे ऐसे है और इसको हमें कट करके निकाल लेना है गोलाई में। तो ये मेरा पैच का काम करेगा, ये देखिए इससे ऐसे हमने इसको कट किया, ये गोल सा निकल आया है। और इस तो देखिए हम ये जो लीव्स निकली है पैच से, ये लेस में देखिए ये साइड से ये लीव्स दिख रही, इसको हमने कट किया है और कट करने के बाद हम इसको कमर के साइड में लगाएंगे। तो ऐसे करके हमें ड्रॉ करना है पूरे में, हमें ये ऐसे गोलाई में रखना है। तो ये मेरा देखिए ऐसे गोलाई में सुंदर सा लेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेंगे। आप कोई भी लेस ऐसे गोलाई में लगा सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको यूज़ कर लेंगे और ऐसे गोलाई में पहले लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये गोलाई में लगा लिया है और बहुत प्यारा लग रहा है ऐसे। अब हम ये देखिए जो पैचेस हैं, पैचेस लेंगे और इसको हमें फैब्रिक ग्लू से ही हम लगा रहे हैं। तो हम देखिए जिधर साइड हमने ये पर्ल रखे हैं उधर ही साइड फिर हमें पर्ल लगाते हुए जाना है और एक गोल गोल पैचेस लगाते जाना है। तो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमें पैच और रख रहे हैं, पहले लेस वाला और उसके बाद जो है हेडमेट बनाया है उसको लगाएंगे। तो ऐसे कर सीरियल वाइज से लगा लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है और मिड में भी हमने स्टोन लगा दिए हैं। अब हम पग बनाएंगे। तो पग बनाने के लिए हमने ये 1/4 इंच से थोड़ी कम ली है और 3.5 इसकी चौड़ाई ली है और हम पहले इसका बेस बना लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। बेस बनाना मैंने बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। तो देखिए बेस ऐसे बना लिया है। अब इसमें हमें कलरी बनानी लगानी है। तो हम ये देखिए ऐसे करके येलो कलरी लेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे। इसमें मैंने स्टोन लगाया है और कलरी और पग मैंने डिटेल में बनाना बताया है आपको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। और कैसे डेकोरेट करना है ये मैं इसमें बता रही हूँ। ये ऐसे करके देखिए हमने ये ऐसे लगा लिया है। अब बैक में हमें रेड लगाना है, तो हम रेड में ऐसे ये हॉट ग्लू लेंगे और हॉट ग्लू हमें ये बैक में ऐसे करके यूँ रखना है। और इस तरह से ये देखिए मेरी दोनों तरह से पगड़ी का ये कलरी आ गई है। अब इसमें हम ये पैच जो हमने बनाया है इसको भी एक यहाँ पर लगाना है। अब पगड़ी के सामने ऐसे हॉट ग्लू लगाएंगे और यहाँ पर अब हम ये स्टोन चेन आती है, ये लेस आती है, इसको लेंगे और ऐसे करके हम डेकोरेट कर लेंगे, पूरा गोलाई में कवर कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा हमें कवर कर लेना है यूं करके और कवर करके इसको आगे लाके फ्रंट में ले आना है। तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये पूरा आके ये ऐसे आ जाएगा आगे यहाँ पर। तो ऐसे करके हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पैच लेंगे और पैच में देखिए यहाँ पे ऐसे लगाना है और लगाने के बाद ये हमें साइड में ऐसे हम ये देखिए पग के इधर से ऐसे अटैच कर देंगे। तो ये सुंदर सा पैच इसमें लग जाएगा और सुंदर सा हैवी पग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम लटकन बनाना बताएंगे। तो देखिए हमने ये वॉल चेन ली है, वॉल चेन में हॉट ग्लू जरा सा लगाएंगे यहाँ पर और हॉट ग्लू लगाने के बाद अब इसमें हमें
पर्ल ऐसे करके अंदर ये घुसेड़ना है। तो ये पतली वाली वॉल चेन है, ऐसे करके घुसेड़ देंगे और ये जब सूख जाएगी तो इस तरह से हम दो तीन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको हम पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी दो तैयार हुई, ऐसे हम और तैयार कर लेंगे। तो ये मेरी थ्री कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस बैक में यहाँ पे देखिए हॉट ग्लू लगाएंगे, कलरी जो रेड वाली है इसमें ये हॉट ग्लू लगा देंगे और हॉट ग्लू लगा के इसको रख देंगे। और ये ऐसे रखने के बाद और ये सूख जाएगी तो मेरी ये लटकन कंप्लीट हो जाएगी पक्की। तो देखिए इस तरह से ये हैवी पोशाक कंप्लीट हो गई है दीपावली स्पेशल। आप जैसे देख रहे हो आप जरूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।